फ्रेंड्स, ये बोलेरो SLX मॉडल है, तो इसका गियर लीवर का क्या प्रॉब्लम है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये गियर लीवर है, एकदम पूरी तरह से हिल रहा है। तो कस्टमर का कंसर्न है, ऑलमोस्ट सब गियर का ही प्रॉब्लम है, गियर सही तरह से नहीं पड़ता है। एक नंबर देता हूँ तो वो तीन नंबर में जाके अटकता है। ये देख सकते हो कि गियर लीवर कैसा पूरा प्ले हो गया है, जैसे लगता है कि हम कहीं से टूट गया है। तो मैं इसको फर्स्ट गियर देने का कोशिश करता हूँ, अभी सेकेंड गियर देता हूँ तो नहीं होता है। थर्ड गियर और फोर्थ गियर में थोड़ा सा हो रहा है, और फिफ्थ गियर से जैसे लगता है कि टूट ही गया है पूरा, और रिवर्स में भी थोड़ा सा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोल के चेक करते हैं, इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से गंदा जमा हुआ है। ये कवर खोलेंगे तो ये गंदा जो है गियर बॉक्स के अंदर घुस जाने का पॉसिबिलिटी है। तो ये गियर लीवर का लॉक को थोड़ा खोल लेंगे दोनों तरफ का, जैसे आप देख पा रहे हो। ये लॉक हमने खोल लिया है, स्प्रिंग और लॉक देख पाते हो। ये लॉक और इधर का लॉक, ये दोनों आपको खोल लेना पड़ेगा। फिर ये बोल्ट, ये चार नंबर बोल्ट जो है खोलना पड़ेगा, फिर जा करके ये गियर लीवर बाहर की तरफ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में। ये हमने कवर खोल लिया है, या हमने गियर लीवर को खोल दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें खास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब ठीक ही है। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं तो आपको सही तरह से दिखेगा। लीवर तो पूरा ठीक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हो, ये जो होल है ये गियर लीवर का लॉक का होल है, ये पूरा अंदर की तरफ घुस गया है, जिसके वजह से गियर लीवर लॉक नहीं हो पा रहा है। तो ये पिन को हमने खोल दिया है, अभी देख सकते हो इसको पुश करके आपको दिखाता हूँ। ये जो लॉक पिन है ये अंदर की तरफ घुस जाने की वजह से गियर लीवर पूरा फ्री हो गया था। चीज़ तो बहुत छोटा सा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया था। ये पिन जो है इस होल में फंसता है, तभी जा कर के आपका गियर लीवर सही रहता है। आपको मैं दिखाता हूँ ये पिन कहाँ पे फंसता है। ये चीज़ छोटा सा पिन है, ये यहाँ पे आके लॉक होता है और दूसरी तरफ गियर बॉक्स में लॉक होता है। इसको हम लोग फिटिंग करेंगे, थोड़ा सा रिपेयर करेंगे। और ये कपड़ा हमने अंदर की तरफ घुसा दिया क्योंकि अगर सपोज़ पिन बाई चांस गिर जाए तो गियर बॉक्स के अंदर चला जाएगा, तो ये सेफ्टी के लिए हम कपड़ा थोड़ा घुसा दिए थे। और ये पिन देख सकते हो, पिन को हमने अपना पोजीशन कर लिया, तो इसको थोड़ा प्रेस करके इसको सही जगह बना देंगे। तो अभी हो गया है, अभी फिट करेंगे इसको गियर लीवर को। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम ऑलरेडी इसको कवर को फिट कर लिया। अभी देख सकते हो गियर लीवर का प्ले एकदम नहीं है,
एकदम नॉर्मल सा हो गया है, एकदम बिल्कुल सही भी हो गया है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, तो इसका कवर अभी लगा लेते हैं। तो हमने सब फिटिंग कर लिया, अभी देख सकते हो इसमें एकदम बिल्कुल सही हो गया, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर जो भी एकदम सही तरह से ले रहा है। देख सकते हो ब्रेक गियर, एकदम प्ले भी ज़्यादा नहीं है, जैसे नॉर्मल होना चाहिए वैसा है। तो फ्रेंड्स, आपका भी कार अभी कभी भी प्रॉब्लम हो इसी तरह से, तो आप घबराना ना कहीं, पहले उसको खोलिएगा, हो सकता है कि ऐसा छोटा सा पिन के लिए आपको दिक्कत होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।